अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी प्लस प्लस में एक और इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं और वो हमारे पास है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का क्या मतलब है? अगर हमारे पास किसी क्लास के अंदर मोर देन वन कंस्ट्रक्टर हो विद डिफरेंट पैरामीटर्स, तो जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसी क्लास का, तो वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसके साथ ऑब्जेक्ट के पैरामीटर मैच हो रहे हो। तो इसी कंसेप्ट को हम नाम देते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं, देखते जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं हैश इंक्लूड, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कि हर एक प्रोग्राम में सी प्लस प्लस में हम स्टार्ट लेते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से। तो सपोज़ कल यहाँ पर मैंने वो लिख लिया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास ए, एक क्लास मैंने बनाया यहाँ पर प्राइवेट इंट ए बी पब्लिक, यहां पे मैं लिखता हूं ए सी आउट वेलकम टू डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहां पे मैंने इसको क्लोज किया, चूंकि स्पेस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो बाकी प्रोग्राम में यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पब्लिक ए और यहाँ पे इंट एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सी आउट यहाँ पे ए, ये कर लिया। अब यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर लिखता हूँ ए इंट एक्स और यहाँ पे इंट वाई ए इज इक्वल टू एक्स और बी इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ एड ए प्लस बी और ये क्लास और ये यहाँ पे क्लोज। यहाँ पे मेन और यहाँ पे मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट ए एक्स ए वाई और ए जेड, यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू साइन जी। तो देखते जाए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने ए बी दो वेरिएबल बनाए जिसको हम कहते हैं डेटा मेंबर्स या प्रॉपर्टीज, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। पब्लिकली मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया है पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर, जिसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं। अच्छा, एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह कंस्ट्रक्टर नंबर वन, यह कंस्ट्रक्टर नंबर टू। इस कंस्ट्रक्टर में हमारे पास एक आर्गुमेंट है, क्या है? एक आर्गुमेंट है। एक और कंस्ट्रक्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी प्रोग्राम के अंदर एक और कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमारे पास दो आर्गुमेंट है। तो मेन पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट जरा नोट कर ले कि प्रोग्राम चूंकि हमारे पास थोड़ा लेंथी है तो मैंने यहाँ पे पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसके बाद हमारे पास पोर्शन आता है ये वाला, यानी मेन हम हमेशा क्लास से बाद में लिखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ज़रा देखें ए एक्स, ए हमारे पास है क्लास का नेम ये वाला, एक्स क्या होगा? एक्स हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट। तो जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसी क्लास में अगर कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो तो ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो देखें इस एक्स को मैंने वैल्यू दी है कितनी, नहीं वैल्यू हमने यहाँ पर इसको साइन नहीं किया, मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू लेस, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये कॉल जाएगा। देखें कहाँ पे? यहाँ पे, और स्क्रीन पे हमें रिजल्ट मिलेगा वेलकम टू डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यानी जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा अगर कंस्ट्रक्टर और इसके पैरामीटर आपस में मैच हो रहे हो। नेक्स्ट कंट्रोल, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल वापस आएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्या है? वाई। वाई क्या है? वाई भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो इस y को मैंने वैल्यू असाइन की है 1, यानी यहां पे पैरामीटर कितने हैं इसमें 1। तो अब इसकी मदद से ऑटोमेटिकली वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसको एक वैल्यू की जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। वो कौन सा वाला है? वो ये वाला है, जरा देखें ये वाला। देखें अगर हम यहां पे पब्लिक लिख ले एक कंस्ट्रक्टर के साथ और दूसरे के साथ लिख ले तो कोई एरर नहीं है, लेकिन अगर आप ना भी लिखें तो भी ठीक रहेगा। देखें यहां पे मैंने लिखा है थर्ड के साथ, मैंने नहीं लिखा। तो इस कंस्ट्रक्टर की मदद से, सॉरी इस ऑब्जेक्ट की मदद से अब कंस्ट्रक्टर ये वाला कॉल होगा, वैल्यू पास होगी कितनी?
फाइव एक्स को हमारे पास वैल्यू पास कर रही है फाइव की, और ये फाइव वैल्यू किसको असाइन की, ए को, और यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे आएगा फाइव। अच्छा पॉइंट जरा नोट कर ले कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए वाई इज इक्वल टू फाइव, ये स्टेटमेंट हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल वापस जाएगा यहाँ पे, तो जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है जेड के नाम्स के साथ, और यहाँ पे हमने इसको वैल्यू असाइन की है टू, दो पैरामीटर। तो जब दो पैरामीटर असाइन किए तो अब क्या होगा, तो अब वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो दो आर्गुमेंट पर मुश्तमिल हो, तो कौन सा वाला है, ये वाला। तो ये वाली वैल्यू जाएगी कहाँ पे, यहाँ पे, दूसरी वाली जो वैल्यू है वो भी जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू साइन होगी ए को, वाई वाली बी को, और यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ऐड का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कंस्ट्रक्शन में सिर्फ एडिशन होता है, कंस्ट्रक्शन में आप कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन और एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये सिंपल से एग्जांपल लिया है। अब अगर आप यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले, देखते जाए यहाँ पे मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया इस तरह, ए सपोज कर ले मैंने एक पी बनाया, और पी को वैल्यू साइन की टू थ्री फोर, तो अब क्या होगा, एक क्लास का नेम है पी, हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैंने तीन वैल्यू असाइन की है, लेकिन हमारे पास क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर ऐसा नहीं है जो कि तीन आर्गुमेंट को रिसीव कर सकता हो, तो ये हमारे पास होगी क्या, एरर। इस तरह पॉसिबल नहीं, ये हमारे पास होगा एरर। नेक्स्ट अगर हम इस तरह लिख ले ए एम, कोई और ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, तो फिर क्या होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यानी हम यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी आप बना सकते हैं, लेकिन पॉइंट इसमें यह होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट में आप दो से ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर सिर्फ दो आर्गुमेंट वाला है, एक है दो वाला, एक वन वाला, और एक पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर। तो इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमारे पास होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।